अच्छा, एक साल में 1 लाख ऑर्डर्स कंप्लीट किए थे आपने, तो उसका ऊबर ईट्स की तरफ से एक आपको अवार्ड मिला था। अच्छा जी, हमने सम्मान करा था कि भाई हमारा सबसे बढ़िया आउटलेट है। अच्छा, अंडे वाला बेंजो, एक बेंजो ऑमलेट बनना, बेंजो ऑमलेट। हाँ, तीसरा नंबर है नॉन वेज। मतलब एक तरीके से बर्गर ही है बट नाम हॉटडॉग पड़ गया। अच्छा जी, ये लोकल है। अच्छा, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ गए हैं जी 56 बाज़ार की दी मोस्ट फेमस जॉनी हॉटडॉग शॉप पे। तो यहाँ पे एक विजय अंकल जी हैं यहाँ पे, तो उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और यहाँ के जो हॉटडॉग्स है वो सारे देखते हैं कैसे बनते हैं और ट्राई कर लेते हैं। जी विजय अंकल है यहाँ के ओनर। विजय अंकल कैसे हैं आप? बढ़िया भैया। तो सर हमें थोड़ा बताइए ना जॉनी हॉटडॉग के बारे में, और जैसे ये बहुत लोग बता रहे थे कि 56 बाज़ार की दी मोस्ट फेमस शॉप है यहाँ पे, तो बताइए थोड़ा इसके बारे में। 56 दुकान में क्या है, सभी फेमस दुकान है। अच्छा जी, तो सबसे पहले यहाँ की जो शॉप थी उनमें से एक आप थे? कुछ लोग हैं पुराने हमारे। अच्छा जी, व्यापारी। तो सर ये बहुत सारी फोटोज लगी हुई है यहाँ पे, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये सारे सेलिब्रिटीज हैं यहाँ के और ये जो यहाँ पे आए हैं कौन कौन थे सर? कुछ ना कुछ कौतुक करना पड़ता था अपने अपने दुकानदारी चलाने के लिए। अच्छा जी, कौतुक है। अच्छा जी, तो हमें बता रहे थे कि ऊबर ईट्स का आपको कोई अवार्ड भी मिला हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। तो ऊबर मिला था सर। किस चीज के लिए मिला था? क्या है, सबसे तेज काम करा था हम लोग। अच्छा जी, 1 लाख। अच्छा, एक साल में 1 लाख ऑर्डर्स कंप्लीट किए थे आपने, तो उसका ऊबर ईट्स की तरफ से एक आपको अवार्ड मिला था। अच्छा जी, हमने सम्मान करा था कि भाई हमारा सबसे बढ़िया आउटलेट है। अच्छा जी, वो अलग अलग क्या है कोई पता नहीं करते, अलग अलग परोस देते हैं। अच्छा अच्छा, बट ओरिजिनल जो बात है वो 1 साल में 1 लाख ऑर्डर्स कंप्लीट करने की। अच्छा जी, तो आपके यहाँ क्या क्या मिलता है सर? मेरे पास एक आलू वाला वेज हटा। अच्छा, अंडे वाला बेंजो, एक बेंजो ऑमलेट बनना, बेंजो ऑमलेट। हाँ, तीसरा नंबर है नॉन वेज। मटन, ये सारे यहाँ पे रेडी रहते हैं क्या? बिल्कुल तीनों, ये मेरे पास वेज है। अच्छा, तो आपके यहाँ नॉन वेज पीछे बनता है, नॉन वेज और आगे वेज। ओके, दो वेज बनाओ, चार वेज और बनाओ। अंकल अभी कौन से बना रहे हैं? ये वेज है मेरे पास, वेज वाले हैं ये। तो वेज वाले का प्राइस क्या है? इसको 25 रुपए में बेचते हैं हम। अच्छा जी, 25 रुपए। दो वेज तो मेरे, ये ब्रेड्स वहाँ पे प्रिपेयर होती है, वहाँ पे कौन कौन सी चटनी लगाते हैं सर? इसमें एक तो हम हरी चटनी लगाते हैं और केचप लगाते हैं, केचप लगाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये क्या है जी, तेल। ये ब्रेड है, ब्रेड टिक्की में लगा देंगे, वेज हॉट डॉग हो गया। अच्छा, वेज हॉट डॉग हो गया, तो मतलब एक तरीके से बर्गर ही है बट नाम हॉट डॉग पड़ गया। बर्गर है, अच्छा कंसेप्ट हो जाता बड़ा, ये लोकल चीज है। अच्छा जी, ये लोकल है। अच्छा जी, तो सर एक दिन में आप कितने बेचते होंगे एक अंदाजन? एक दिन में हम सर अंदाज को लोग बहुत सारा लगा देते हैं। आपके अंदाज से अभी, लेकिन कोरोना का भी समय है, अभी हम ये सोच लो कि 600 पे पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। 600 हम 1000-1200 नॉर्मल टाइम में। अच्छा जी, तो एक बार टाइमिंग बता दीजिए ना सर आपका। हमारा टाइम सुबह 9 से रात के 9 तक। ये तो अभी कोरोना के कारण ना, वैसे नॉर्मल टाइमिंग सर? नॉर्मल टाइम मतलब वही 10-1 बजे तक ही रहता, 10 तक रहते हैं। अच्छा जी, तो ये बन गए अभी ये वेज वाले। बहुत सरल डिश है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस पैकिंग होती रहती है, लाइन लगी रहती है लोगों की। ये देखिए, ये पैकिंग नहीं होती रहती, अभी हमने क्या प्लेटें बंद कर दी है। अच्छा, अभी सब टेक अवे हाइजेनिक सिस्टम में डाल दिया है। अच्छा, तो यहाँ पे अंकल भी है, जितनी देर हमने बात भी किया, जितनी देर अंकल ने ऑर्डर भी बनाया, कंटिन्यूसली उन्होंने ग्लव्स, हेड गियर एंड फेस मास्क भी पहना हुआ था। बहुत जरूरी है सर, तो सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस पूरे तरीके से यहाँ पे लिए जा रहे हैं। ये अभी भी सर वेज हॉट डॉग बना रहे हैं? हाँ, बचना और बचाना बहुत जरूरी है सर। अच्छा, समय ऐसा है। तो सर एक बार हमें ये एग बेंजो एंड मटन हॉट डॉग भी बना के दिखा सकते हैं आप? एक के लिए अलग प्रिपरेशन रहती है पूरी। तो सबसे ज्यादा वेज हॉट डॉग चलता है, तो उसके लिए पूरी प्रिपरेशन ऑलरेडी की हुई है। एक चीज कितने अंडे का बनाते हैं सर उसे? हम लोग
क्या होता सर चार चार अंडे बोलते हैं। अच्छा एक बार में प्रिपरेशन कर लेते हैं फिर ऑर्डर के हिसाब से। पाँच तो सात चार अंडे बोलते हैं और तीन अंडे बनाते हैं। आपको हमारा लाइट अच्छी मिल जाए मतलब किसी को ज्यादा देर रुकना ना पड़े, ऑर्डर आए और जल्दी से जल्दी वो मिल जाए। ठंडी पानी की बॉटल निकालो एक रंजो ऐड दो। सर एक वाले का क्या रेट है? तीस रुपए एग और मटन दोनों 30 रुपए। हाँ प्योर घी से चल रही है ना? प्योर घी हमारे ग्राहकों को जो है क्वालिटी चाहिए, खाने में क्वालिटी चाहिए, थोड़ा सा प्रोटीन और विटामिन बहुत जरूरी है जी सर। तो हेल्दी रहेंगे तो खाते रहेंगे। कितना साल हो गए वैसे आपको यहाँ पे? यहाँ पर होगा सर 45 साल से ज्यादा। 45 साल क्या बात। तीन वेज करो। हाँ एक हो गया सर, एक भिंजो अपने। अच्छा एक मटन वाला भी बना दीजिए हमारे। मटन वाले को कोई टिक्किया है जी? ये टिक्किया लेती है मटन वाले तो फिर। सर ये एक मटन की टिक्की आ गई है, मटन वाले अंदर बनते हैं। हाँ वो लेकिन साठ मिनट में बना के बता दिया भैया। अच्छा जी भैया वो सूट करना था तो ब्रेड वैसी सेक ली है। अच्छा ये ब्रेड वैसी सेकी जाती है? हो गया और ये परोस दिया। साथ में अलग से चटनियाँ भी दी जाती है? अभी कोरोना की वजह से बंद कर दी लेकिन आपको हमने परोस दिया। अच्छा तो कोरोना के कारण सिर्फ टेक अवे, बट अंकल ने हमारे लिए प्लेट में दिया एक ये देख लीजिए, ये है मटन हॉट डॉग। विजय अंकल बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे यहाँ पे मिलके आपसे बात करके। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि कभी भी इंदौर के छप्पन बाजार में आ रहे हैं तो जरूर जॉनी हॉट डॉग में आए और आपसे मिले। तो वैसे आप हमेशा रहते हैं यहाँ पे कि आप कभी कभी आते हैं? आजकल क्या है कि मैं यहाँ पे 11 बजे से मिलता हूँ। अच्छा शाम को 6 बजे तक, फिर बाकी मेरा बेटा रहता है। अच्छा वो संभालता है, 9 से वो संभालता है रात तक 10 तक। बहुत अच्छा लगा अंकल मिलके, फिर से जब इंदौर आना होगा बिल्कुल आएंगे आपके पास। चलिए थैंक यू।